नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपिंदर सिंह है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नो सरदार जी। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप वाटर प्यूरीफायर ख़रीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप जो वाटर प्यूरीफायर ख़रीदें वो आपके घर में आके आपके आपको जो पानी दे वो आपके पीने लायक हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाज़ार गए, बाज़ार में कोई भी वाटर प्यूरीफायर सिर्फ बजट के हिसाब से देख लिया और उसको आप घर ले आए और वो पानी आपको शुद्ध करके देगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्ञान इकट्ठा करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो वाटर प्यूरीफायर ख़रीदें वो एकदम सटीक हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वाटर प्यूरीफायर ख़रीदने से पहले हमें सब ये चीज़ देखनी है कि हमारे यहाँ पे जो पानी आ रहा है, जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पानी आ कहाँ से रहा है। क्या वो पानी गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है हमें, क्या वो पानी अंडरग्राउंड सबमर्सिबल पंप से आ रहा है, या फिर हम किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर और जो गवर्नमेंट का पानी है वो मिक्स होकर आ जाता है। मतलब कि हमारे पानी का TDS है वो वेरी करता रहता है। अगर आपके यहाँ पे जो पानी है वो 500 PPM से ऊपर है तो आपको अलग किस्म का वाटर प्यूरीफायर ख़रीदना है। अगर आपका पानी है वो 500 PPM से नीचे है तो अलग किस्म का वाटर प्यूरीफायर ख़रीदना है। और अगर वेरिएबल है, कभी 1000 हो जाता है, कभी 1500 हो जाता है, कभी 2000 भी चला जाता है, तो उसके लिए आपको अलग किस्म का वाटर प्यूरीफायर ख़रीदना है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आपको वाटर प्यूरीफायर ख़रीदना कौन सा है। तो आप हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके यहाँ पे गवर्नमेंट वाटर सप्लाई है, मसलन हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के अंदर दिल्ली जल बोर्ड पानी सप्लाई करता है, तो हम दिल्ली की एग्जांपल लेके बात करते हैं। अगर हमारे पास दिल्ली जल बोर्ड का पानी है तो 99% तो वो पानी का जो TDS है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा सेट की गई रेंज के अंदर ही होता है, मतलब 500 PPM से नीचे होता है। WHO के अनुसार हम 500 PPM तक का पानी पी सकते हैं बशर्ते उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हों। तो गवर्नमेंट के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से हमारे नल तक पहुंचने में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पानी में आ जाते हैं, हमें उन्हें हटाकर उसे पीना है। तो उस वाटर के लिए हमें ख़रीदना है ऑफलाइन वाटर प्यूरीफायर, जिनको हम ग्रेविटी वाटर फिल्टर्स कहते हैं, जो कि अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं, जैसे यूरेका फोर्ब्स का आयुष आता है, अमृत आता है, प्योरिट का क्लासिक आता है, एडवांस्ड आता है, लेकिन वो शायद ब्रांड ने अभी बंद कर दिए। तो ग्रेविटी वाटर प्यूरीफायर के जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो उसके लिए हम UV वाटर फिल्टर ले सकते हैं, मतलब कि वो उसके अंदर RO हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके यहाँ पे गवर्नमेंट का पानी है तो RO ख़रीदना आपको ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हटाने हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हटाने के लिए UV बहुत रहता है। हाँ, लेकिन अगर आपके यहाँ जो पानी बदबूदार आ रहा है, मतलब कि जो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जितने भी शहर हैं हमारे वहाँ पर सीवर की लाइन के साथ ही पानी की लाइन बिछी होती है। तो कभी कभी क्या होता है, जहाँ पे हमारे घर का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है हमारे वाटर पंप से, हम पंप से पानी खींचते हैं, तो वहाँ अगर कोई लीकेज है, सीवर में लीकेज है, तो वो पानी रिस के हमारा पानी का पंप थोड़ा सा उस पानी को खींच लेता है। तो उस केस में कोई भी ऐसा वाटर प्यूरीफायर, मैं समझता हूँ, कंपनीज क्लेम करती होंगी, मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा वाटर प्यूरीफायर नहीं है जो उस पानी को पीने लायक बना सके। तो आपको सबसे पहले, अगर आपके यहाँ पानी बदबूदार आ रहा है, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी को कंप्लेन करके जो उसमें कंटेमिनेशन है आपके पानी में उसको ठीक करवाना पड़ेगा। अगर आपका ये कंटेमिनेशन नहीं है तो आप यूवी वाटर प्यूरीफायर लेकर के उस पानी को पीने लायक बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप अंडरग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं जिसका TDS 500 PPM से ऊपर है, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपने गवर्नमेंट का वाटर कनेक्शन नहीं लिया है, और अगर लिया भी है तो आप उसको अंडरग्राउंड वाटर को पीने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ आपको लेना पड़ेगा ऐसा वाटर प्यूरीफायर जिसमें RO हो। अब RO के साथ और कुछ भी चलेगा, जैसे कि RO प्लस UV हो, RO प्लस MF हो, RO प्लस UF हो, या कुछ भी ऑप्शनल है, बाकी सब कुछ ऑप्शनल है। उसके साथ
आर ओ तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो टी डी एस है वो 500 ppm से अगर ज़्यादा है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है, पानी खारा लगेगा आपको। तो उस वहाँ जो आर ओ है, आर ओ का काम होता है टी डी एस को कम करना। फिर उसके बाद जो बाकी बैक्टीरिया वायरस या और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हटाने के लिए यूवी यूएफ या फिर एमएफ, अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग नाम से बोलते हैं, वो कुछ भी चलेगा लेकिन आरओ होना ज़रूरी है। ये तो हो गई 500 ppm से ऊपर की बात, जहाँ हमें पता है कि 500 ppm से ऊपर 700 आएगा 800 आएगा, तो जब इंस्टॉलेशन करने वाला बंदा आएगा वो उसका TDS चेक करेगा। TDS चेक करके उसको इंस्टॉल करते समय पानी को, जो उसका आउटपुट है उसको TDS मीटर से सेट करके इंस्टॉल करके चला जाएगा। लेकिन अब जो तीसरी बात आती है, मिक्स सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ पे PPM वेरिएबल है। अब वेरिएबल PPM में क्या होगा, मान लीजिए आज आपने वाटर प्यूरीफायर खरीदा, आज PPM है 900, इंस्टॉलेशन वाला आया उसने 900 ppm पे सेट कर दिया, 900 ppm पे सेट करके वो चला गया और तीन महीने बाद वो ppm हो गया 1500। अब 900 वाला ppm तो वो 400 कर देगा या 300 कर देगा, 1500 वाले को तो वो 900 करेगा या 1000 करेगा, वो आपकी कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है। तो इस केस में आपको लेना पड़ेगा ऐसा वाटर प्यूरीफायर जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड TDS रेगुलेटर हो, उसमें आर ओ होना चाहिए, उसमें उसके बाद आर ओ के बाद यू वी चलेगा, एम एफ चलेगा, यू एफ चलेगा, यू वी चलेगा, कुछ भी अलग अलग ब्रांड्स कुछ भी लगाते हैं, तो आर ओ तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद यू वी यू एफ कुछ भी चलेगा, उसके बाद उसके अंदर होना चाहिए माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड TDS रेगुलेटर। उसका काम होता है कि पानी के इनपुट को सेंस करके, पानी के इनपुट को सेंस करके वो आउटपुट को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अप्रोप्रिएट बना करके आपको देता है। तो आज आपके यहाँ पे पानी 600 ppm आ रहा है या 700 ppm आ रहा है, कल 1500 हो गया, तो वो उसे अपने आप एडजस्ट करके आपको दे देगा। तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, यूवी वाटर प्यूरीफायर क्या होता है, आरओ क्या होता है, और आरओ विद TDS रेगुलेटर तो हर आरओ में होता है, हर एक आरओ में होता है, लेकिन एक में फिक्स्ड वाला होता है जिसमें कि आपको अगर TDS चेंज करवाना है तो आपको सर्विस सेंटर से इंजीनियर बुला के उसका TDS चेंज करवाना पड़ेगा। जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसकी, वो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड होता है, कंप्यूटर एक माइक्रो चिप लगी होती है उसके अंदर छोटी सी, वो पानी के इनपुट को सेंस करके, इनपुट का TDS देख करके उस पानी को ट्रीट करती है, फिर आपको पीने लायक वो पानी बनता है। तो आपको अगर अंडरग्राउंड वाटर है तो अंडरग्राउंड वाटर और सप्लाई का पानी मिक्स हो के आता है, या फिर आप जॉब फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। देखिए वेरिएबल PPM में ये भी एक फैक्टर है कि आज आप दिल्ली में रहते हैं, कल आप नोएडा चले जाते हैं, आज और कल नहीं, मतलब आज रहते हैं और छः महीने बाद नोएडा चले जाते हैं, फिर एक साल बाद आप आगरा चले जाते हैं, फिर उसके दो साल बाद आप पटियाला चले जाते हैं, तो आप छः छः महीने के लिए तो वाटर प्यूरीफायर खरीदेंगे नहीं, तो आपको वही वाटर प्यूरीफायर खरीदना पड़ेगा जो वेरिएबल PPM को हैंडल कर सके। तो उसके बाद बारी आती है ब्रांड चूज़ करने की, तो ब्रांड चूज़ करने के लिए आप सब लोग समझदार हैं, बड़े ब्रांड का ही वाटर प्यूरीफायर खरीदिए, किसी लोकल वेंडर का वाटर प्यूरीफायर मत खरीदिए, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे खिलवाड़ बिल्कुल मत कीजिए। ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है कि आपको किस तरीके का वाटर प्यूरीफायर खरीदना चाहिए। तो अगर आप वाटर प्यूरीफायर खरीदना चाहते हैं और आप मेरे, मैं दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ, अगर आप भी ईस्ट दिल्ली में रहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी साइट का लिंक है, आप मेरी साइट से वाटर प्यूरीफायर ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर मैं और भी साइट्स के नीचे लिंक दे दूँगा, आप स्टडी करके जो भी आपको ठीक लगे आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ईस्ट दिल्ली में रहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे ही लिंक से उसको ऑर्डर कीजिए, ताकि मैं आपको सर्व कर सकूँ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय।